गुरु क्या करता है? देवता देवता कुछ नहीं। देखिए बड़ा मतलब हमने अजीब तरह की भ्रांतियां पैदा होती है हमारे। ये मनुष्य शरीर जो है ये तो हिंदू का वही है, मुसलमान का वैसा ही है, ईसाई बौद्ध जैन किसी भी धर्म का आदमी हो, इस सिस्टम में कोई अंतर नहीं। एकमात्र हमारा धर्म जो है विश्व शांति की बात करता और मानव मात्र को एड्रेस करके बोलता है। ईसाई का अलग कहता है, मुसलमान अलग है, दूसरों का गुरु अलग, ऐसा नहीं है। आज तो ठीक है, हमें पतन के काल से गुजरते आ रहे हैं, और गुरु तो है वो तो मानव मात्र में परिवर्तन लाने की बात करता है। अब वो दूसरे दूसरे धर्म वाले लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हमने भी वो उन परिस्थितियों के कारण से अपने आप को अलग अलग ग्रुपों में बांट करके संकीर्ण दायरे में कैद कर लिया, परंतु हमारा धर्म इतना ही नहीं है। समझे? ये मनुष्य की विकास की क्रिया है। आप लोगों के स्वयं के विकास की क्रिया है। मेरे शरीर में आपके शरीर में कोई अंतर नहीं, जो आपके पास है मेरे पास। मैंने गुरु की कृपा से मेहरबानी से उसको जीवन में काम लेना सीख लिया। आप भी सीख सकते हो, आप भी अपना विकास कर सकते हो। ये आपका अपना विकास, और विकास भी ऐसा जो अस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं हुआ। इसलिए हमारा देश इतनी संसार बड़ा हासिल कर रहा है। और मोक्ष के लिए नहीं, वो हमको ध्यान से देख रहा है, जो बात कर रहा है हमारी, वो इसमें एक डिजीज क्यों खत्म होती है। अब ये सारा परिवर्तन धर्म पर बेस्ड है। इसलिए संसार के धर्म जो है बहुत अस्त है। तो इस वक्त विश्व की जो स्थिति है, जो प्यार में आपको, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है आज का, मगर जो संसार में घटनाएं घट रही है उससे हम अलग तो नहीं रख सकते। इस भूमंडल का रहना है तो उन लोगों के साथ वो लोग आपस में जैसा कर रहे हैं, हमको भी उसी हिसाब से माहौल में चल रहा है। तो आज जो टकराव शुरू हो गया धर्मों का, उसे हम अलग नहीं रह सके। अपने धर्म जिस कारण से पैदा हुए वो अपने हिसाब से चल रहे। तो एकमात्र हिंदू धर्म जो है अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। अहिंसा परमो धर्म की बात केवल नहीं करते हिंदू, मानव मात्र के कल्याण की बात करते, विश्व शांति की बात करते। विश्व शांति की बात तो और लोग भी करते, हिंदू डर से करते, हम उस डर से नहीं करते। हम अपने विकास की बात करते तो ज्यादा आकर्षित तो हो रहे हैं विश्व के लोग। वास्तव से देवी कई लेटर आते जाते रहते हैं। अभी रोग क्यों खत्म हो रहा है उनको, ये बड़ी बारी मतलब अश्रोस की बात लग रही है, बड़ी मुद्दे में फंसे हुए हैं। धर्म रोग का नाश करते फिर विज्ञान क्या करेगा? तो वास्तव में धर्म क्या है लोग समझते ही नहीं है। अब क्या हमारी संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में लाख दिन का अंतर है। हमारी भाषा जितनी परिष्कृत है, पश्चिम उसके लिए प्रॉपर शब्द नहीं। अब धर्म को उन्होंने रिलीजन कह दिया, रिलीजन तो बदल लेते हैं, धर्म तो बदल ही नहीं सकता। वो तो धारण करने की चीज है, बदल रहे हैं धर्म की लालच। अगर धर्म तो बदला नहीं जा सकता, रिलीजन बदला जा सकता। तो आज भी यहां हो रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं हो रही है। ये इस दर्शन का
बुद्धि में पूर्ण विकास राजेंद्र पूर्ण। अब रोग खत्म हो रहा है इसीलिए संसार बड़ा आकर्षित हो रहा है। और ये बात भी सच्चाई है कि मेरे पास इस देश में भी 90% लोग रोग के दिया तो मैं आपको बताऊं रोग क्या है योग क्या है। योग के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं पूरी दुनिया। आज योग का कहीं वर्णन आएगा तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि कोई रोग है इसको इसलिए शारीरिक कसरत करवाई जाएगी। जबकि योग का संबंध रोग से है ही नहीं। औतंभिक ग्रंथ है इस वक्त का उसको उठा के देखो 195 सूत्र में कहीं रोग का वर्णन नहीं आया। हमारा दर्शन तो मोक्ष की बात करता है वो आज मोक्ष एक कल्पना की स्थिति है। और फिर मोक्ष के भी कई रूप बताए थे साहिब जी ने स्वामी जी ने पता नहीं क्या और बुद्धि के कसरत में आके छोड़ देते हैं। तो रोग तो खत्म हो रहा है उसको खत्म करने में दोनों डॉक्टर सहयोगी एक बाधा डॉक्टर जो कर रहा है आधा पर ठीक है मगर आज बहुत सी सैकड़ों बीमारी ऐसी है तो असाध्य है इनक्योरेबल वो कैंसर एड्स गठिया आत्मा डाती सैकड़ों तरह की बीमारियां इनक्योरेबल है और हमारा योग इससे ठीक कर देता है तो अंदर वाले डॉक्टर को प्लस करके ठीक होता है। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है मैं रोगियों को क्या देता हूं बेटा भाई बाहर वाले डॉक्टर को छोड़ना नहीं मगर तो तेरे अंदर एक और डॉक्टर बैठा है मैं तो उससे परिचय करवा दूंगा तेरा तो बाहर वाला पूरा चंदन वाला डॉक्टर सारे लोग खत्म करते और वो रहे कैंसर हो रहा है एड्स हो रहा है मतलब जिस एड्स से पूरा विश्व पैरालाइज है। मैं मेरे 10 साल के अनुभव से एक नतीजे पर पहुंचा कि जितना आसान एड्स का ट्रीटमेंट है मरीज का उतना कैंसर का नहीं। कैंसर से डरते नहीं जिस बदकिस्मत के होता वही मरता इसलिए दूसरे आदमी को देखने को एड्स तो फैलने वाली बीमारी है छोटी बीमारी है इसलिए पूरा विश्व टेरोराइज है। मैंने जब ये स्टार्ट किया पहले मैं ये बीमारी क्यों ठीक होगी मैं नहीं बोल पाता जानता था मगर टाइम नहीं आया। अभी 4 साल पहले मैं आ रहा था बीकानेर से तो एक कोई डॉक्टर मुझे मिल गया कैंसर के डॉक्टर जो आजकल अजमेर आके चौधरी करके वो आज तो मेडिकल स्टूडेंट है अजमेर में हॉस्पिटल वो उनसे मिले एक डॉक्टर सी ऑफ करना आए तो मुझे डॉक्टर हो जा वहां 8-10 डॉक्टर मेरे से है मेडिकल कॉलेज बीकानेर के वो सीओर करना है तो पूछा क्यों आया तो कहना जी गुरु जी को सीओर कर मेरे को जानते हैं सर डॉक्टर जनरल नहीं मुझे जानते क्योंकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है जिसे वो इनक्योरेबल कह रहे हैं क्योर हो रहा है। अब वो मेरी भाषा नहीं समझते बॉम्बे में एक दो डॉक्टर ने मुझे कहा कि गुरु जी बात दस लिए आप क्या कह रहे हो हमारे समझ नहीं आता आपका कोई डॉक्टर से चेता हमसे बात दो डॉक्टर कैंसर के मुझे मिले तो मैंने उनको कहा मैंने डॉक्टर साहब बीबीसी से मैंने 8-10 साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि मनुष्य के शरीर में ऐसे कुछ तत्व पैदा हो जाते हैं विजाती तत्व जो मनुष्य के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं और टिश्यूज मरने लगते हैं इस तरह शरीर कर जाता है आदमी का आदमी मर जाता है साइंस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने कहा इसको काम कर सकते डॉक्टर बोले जी तो व्यवहारिक भाषा में हमारी मेडिकल भाषा में फर्क है बाकी कारण तो ये मैंने कहा आप हमारी भाषा सुन लो हमारे सिद्धांत के अनुसार योग के सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में जो पिंड में वही ब्रह्मांड में ये योग की भाषा जब पूरा ही ब्रह्मांड है मनुष्य के अंदर
तो फिर देवता भी अंदर है, कानों भी अंदर है, बात तो कोई है नहीं। तो एक मनुष्य में किसी कारण से पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के कर्मों से रोग हो गया, जिसे आपने कैंसर कह दिया। और वो इसलिए होगा कि मनुष्य के अंदर देव और दानव दोनों है, दानव ज्यादा प्रभावी हो गया, उसमें किसी कारण से उसने आदमी को मारने की कोशिश शुरू कर दी। आप उसको एड्स कह दो, आप उसको कैंसर कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, कुछ भी कर, आप अगर उसी आदमी ने किसी क्रिया से किसी तरीके से देवता चेतन हो जाए तो क्या, वो तो दानव से ज्यादा प्रभावशाली है, पावरफुल है। तो डॉक्टर बोले जी फिर तो कैंसर क्योर हो गया, हो जाएगा। तो मेरे को डर साहब ये होना चाहिए आपका कैंसर क्योरेबल, मगर जब तक नहीं होता तो दुनिया तो नहीं मानने दी, तो क्यों करूंगा मैं, कदम नहीं करूंगा। उसके बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि कैंसर और एड्स क्यों क्योर होता है, क्या वास्तव में प्रबंध कितने ठीक हो। अब मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि योग जो है सिद्ध योग, जैसे आप सिद्ध योग हो, उसके लिए कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, इनक्योरेबल नहीं है। और अब मैं एक ही चीज को पूर्ण करने के लिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि एड सीज एक क्योरेबल डिजीज, एक आवे हजार आवे लाख आवे, मगर ठीक होने के लिए अगर कहीं रुकावट आएगी तो वो साधक की आस्था है। अगर आपका गुरु में विश्वास ही नहीं तो फिर मामला करता है। अगर आप रोग ही ठीक करवाना आए हो और गुरु से कोई लेना देना नहीं है तो भाई सरदर्द नहीं मिलेगा, और नहीं तो एड्स और कैंसर कोई समस्या नहीं है भारतीय योग के सामने, क्योंकि भारतीय योग तो मोक्ष की स्थिति में पहुंचा देता है। और मोक्ष वो स्थिति है जो मनुष्य का वो उच्चतम विकास करती है, उससे आगे विकास की गुंजाइश नहीं होती मनुष्य। तो अब ये शुरू हो गया, वैसा आएगा, इसी जगह आएगा, लाखों में संख्या में आएगा, मगर एड्स से डर के भगवान सगवान से डर के नहीं आएगा, समझे। वो ऐसा धर्म का मतलब ढकोसला करके और धर्म को बदनाम कर दिया पूरे विश्व में, 90% का 99% विश्व का मानव आज विज्ञान से उम्मीद कर, साइंस, और मैं साइंस वालों से ले निकला, उनको कह रहा हूं कि ये क्यों और क्यों हो रहा है, आप अपनी भाषा बोलो। तो ये एक विकास है जिसकी बात केवल हिंदू करता है। स्वर्गस्थ पिता कह करके पूछ जाते हैं और स्वर्ग कहां है तुम्हें जाना, तो ये क्या है, ये आपका आपका मतलब मानव जाति का एक विकास। तो अब जो है मेरा टारगेट वेस्ट है, समझे समझे, और वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। हमारे धर्म में मतलब ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद, और ऋग्वेद तो मनुष्य शरीर की रचना की बात करता है, तो कहता है सात पर तो सात प्रकार के सेल से ही शरीर बना, फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है, तो पहले वो मैटर से शुरू करता है, फोर्स पदार्थ से, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञान में, फिर आनंद चित्त और सत्। तो आज तक संपूर्ण मानव जाति में चार कोष चेतन हो गए साथ में से, अन्न प्राण मन और विज्ञान, विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, मगर विज्ञान मानव की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, असंख्य समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, विज्ञान जोर लगा। मैंने उनको कहा है, अब विज्ञान के ठेकेदार तो पश्चिम के लोग ही बड़े हुए हैं ना, तो मैंने कहा तुमने दो करना था कर लिया, महर्षि अरविंद की बच्चे बड़ी है, पश्चिम मानवता में जो विकास कर सकता था कर लिया, आगे जिस विकास की जरूरत है वो केवल यही देश करेगा, यही धर्म करेगा, यही ध्वज भी करेगा, क्योंकि ईश्वरवाद का जनक तो हमारा देश,
तो विज्ञान में तो उसके बाद में तीन को बाकी बचे अन्न प्राण मतलब सतचित आनंद। जब सात में से चार चेतन हो गए अन्न प्राण मतलब विज्ञान, तो बाकी भी चेतन होने का तरीका है। वो तरीका केवल हिंदू जानता है, ये देश जानता है, संसार का कोई देश नहीं जानता। हाइड्रोजन चला के मारना जानते हैं, मोक्ष की बात नहीं समझते। तो अभी धर्मों का संघर्ष हो गया। क्यों हो गया मैं आपको बताऊं? अब एक सत्य प्रकट होने वाला हो गया। अब जो वो अब सत्य तो एक ही है, अब विभिन्न धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिन धर्मों का जन्म हिंसा से हुआ वो तो अहिंसा की भाषा नहीं समझते, इसलिए ईसाई कह रहे हैं हम बड़े कि मुसलमान कह रहे हैं हम बड़े, समझे सर। और साथ साथ निरीश्वरवादी बहुत भी अपने आप को बड़ा कहने लगे, जबकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं रखता बहुत ही। अब हम क्योंकि अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत में विश्वास कर रहे हैं, ईसाई धर्म बड़ा, मुस्लिम धर्म बड़ा, बम चल रहे थ्रू आउट वर्ल्ड। आप देखिए पढ़े लिखे लोग नजर को साल के देख लो, जितना भी कहीं संघर्ष हो रहा है एक तरफ मुस्लिम वर्सेस सारा वर्ल्ड, कोई धर्म का सामना है कहीं, कोई धर्म का सामना है मगर एक तरफ मुस्लिम और भयंकर नजर। अब जो धर्म का लड़ती है धर्म की लड़ाई है मैं बोलो, ये धर्मों का द्वंद है और अंत में फैसला एक होना है कि सत्ता कौन है। इतने विश्व के धर्म है उसमें से एक सत्ता निकलेगा। अब इसलिए समझ भी सामने समझे समझ, क्योंकि हम अहिंसावादी है इसलिए हम उस तरह का काम नहीं करते। 20 साल से कितना दर्श संघ संसार में किसी आदमी ने कान ही नहीं दिया, हिंदू आदमी नहीं होता। वो 11 सितंबर ने बता दिया उग्रवाद क्या, क्यों वो उग्रवाद हमको परेशान कर रहा था, तब तो तुमको तकलीफ नहीं हुई है तो ठीक है आप आ जाओ मैडम। तुम बम से बड़ा बनना चाहते हो, हम अहिंसा से बड़ा बनना चाहते हैं, लड़ाई तो तुम्हारी हमारी भी है, हम अहिंसावादी हथियार काम में लाएंगे, तुम अपना हाइड्रोजन चला। तो हम इस रेस से अलग नहीं है, मैं आपको हाल बताता जो कुछ हो रहा है विश्व। और एक बात और बता, अशांति इतनी बढ़ चुकी है कि शांति की बात सोचना एक मृगमारी सीखा, अब तो एक क्लाइमेक्स पे पहुंचे कि जो हिंसावादी है वो अपने ढंग से पहुंचाएंगे, मगर इस रेस से हम बाहर नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूं आपको, अब बड़ा छोटा का तो फैसला मैदान में होगा ना। तो एक विकास, अब वो डिजीज खा रही है लोगों को और हमारा योग जो सारी बीमारी खत्म करता है। तो अब क्या होगा देखिए, अब समय जो है प्रकृति जो है वो छलांग मार के चल रही है, घिसीट के नहीं चल रही है, लंबा समय नहीं लगेगा। आगे आने वाली गुरु पूर्णिमा कैसी होती है इससे आप देखो, मैं कल कुछ नहीं कर सकता। आगे आने वाली गुरु पूर्णिमा कैसी होती है आप देखो, पीछे कहते वो साथ आगे थे ना वेस्ट वाले, मैंने आपको कहा तो कोई आए, ये लाल तमड़ी वाले नाक रगड़ेंगे इस देश में आकर के। इजराइल से ज्यादा पवित्र मानेंगे इस देश को, ये मेरा चैलेंज है, समझे समझे। मगर हमारा धर्म, हमारा देश, हमारे ऋषि हमेशा अहिंसावादी सिद्धांत से पूजे गए हैं, हिंसा से ये दोनों धर्म के लड़ हैं, जिनके बारे में समझ नहीं कर रखा। हम गिर का लेकिन अमेरिका
कि तुम करते हो हमारा धर्म बड़ा आक्रामक है। क्या कर लिया हम जानते हैं आप इसे कैसे करो। तुम्हारे पूर्वजों के सामने दो रास्ते थे, ईसाई बन जाओ नहीं तो मौत को स्वीकार। तो उस स्थिति में तुम उस हालत में तुम ईसाई बन कायदे आक्रामक को डर के मारे ईसाई बन। आक्रामक कभी डरता है? और फिर एक उदाहरण दिया, भारत की भूमि से एक चिन्हगारी उठी बुद्ध के बारे में, और एक रुपया खर्च नहीं हुआ, एक खून की बूंद नहीं गिरी, और आज छठा आदमी बौद्ध है। 100 साल पहले की बात है, समझ लो 100 साल पहले कहा था सिकापुर कि आज यीशु में मानव जाति में हर छठा आदमी बौद्ध है, एक बूंद नहीं गिरी बौद्ध बन गई। तो तुम आक्रमण होकर क्या कर रहे हो? तो अब तो घबरा गए, 11 सितंबर के बाद में घबरा गए। मैं उनको चैलेंज पिछले 10 साल से कर रहा हूं, समझे? मगर किसी को कान पर क्यों नहीं लगी? वो आए दिन कन्वर्ट कर रहे, 10-20-50 लोग ईसाई बन रहे। मैंने उनको कहा हम आपको ईसाई नहीं माने, हिंदू धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता, वो तो मनुष्य के रूपांतरण की बात करता है, मनुष्य के विकास की बात करता है, चाहे वो ईसाई है बौद्ध है मुसलमान है क्या है। और रिजल्ट तो मिलने लग गया ईसाइयों को भी, तो परेशान होगी। परेशान इसलिए हो गए कि हिंदुइज्म जो है रिजल्ट दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, हिंदू फिलोसफी दे रही है। मैं आपके तरह एक साधारण गृहस्थी आदमी हूं, कोई महान आदमी नहीं होते। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी, तो गुरु पढ़ा नहीं मालूम तो गुरु क्या देता लेता। तो बाद में दो 3 साल बाद समझ पाए, जाते हो आदेश करके नाथ जी आगे काम करो करना है, तो मैं तो रिटायरमेंट लेके काम कर रहा हूं भाई। तो ये डिवाइन लाइट अगर इस भूमि में प्रकट हो गई, ये प्रकाश तो विश्व स्तर पर है, समझे? चंद्र हिंदू धर्म विश्व धर्म होगा, मेरे उद्देश्य ही, मगर साइंटिफिक ढंग से होगा। वो घंटी बजा के अगरबत्ती वाली बात नहीं होगी। आप जिन शक्तियों को बाहर पूछते हो, सभी पूछ रहे हो, शायद वो शक्तियां जिनको आप बाहर पूछ रहे हो आपके अंदर है जीवित। जब पूरा ही ब्रह्मांड है तो फिर वो देवता अंदर ही अंदर है सारे, उनको अंदर चेतन किया जा सकता। तो ये गुरु परंपरा में जो दीक्षा का सिद्धांत है, दीक्षा गुरु देता देता कुछ नहीं, गुरु तो कांच में तस्वीर दिखाता है, देख तू क्या। और विपरीत परिस्थितियों में चल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं शुरू से। वैष्णव शक्तियां चाहती है मेरा मैटर हाईलाइट नहीं हो, सबको इतना। मैं मेरे कंप्यूटर लेना था और इंटरनेट का कनेक्शन लेके, और जब उनको मैसेज दिया, वो नेता इनका अमेरिका है, मैं आपको बता दू पूरे ही सही, और मैंने कार्य भी उसको बनाया। मैंने कहा एस क्यों लेवल है, क्यों है आ जाओ, और वो फिलोसफी को शुरू कर दी, वेबसाइट है मेरा। अब वो रोज एक तो इंडियन डॉक्टर है वहां, 20-25 साल का जवान छोड़ा, उसको एड्स हो गया। उसका एक लेटर था, ईमेल से लेटर आया कि मैं इतना गरीब हूं कि पैसा खर्च नहीं कर सकता, इंडिया नहीं आ सकता, तो यहां ही कोई इलाज हो जाएगा क्या? तो विज्ञान को तो ठेकेदार तुम हो, इलाज कर रहे थे है? तो भैया जहां विज्ञान आके रुक गया वहां से हमारा धर्म शुरू होता है। योग के सिद्धांत क्यों था? जब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो फिर नक्षत्र ग्रह नक्षत्र बाहर कैसे आ गए? मैंने अभी कहा है संस्था वालों को कि नासा को आप इंफॉर्मेशन दो कि अंतरिक्ष विज्ञान की जो आप शोध कर रहे हो उसमें हमारे सिद्धांत के अनुसार आपकी
जो कार्य करते थे उसमें हेल्प मिलेगी, आप मंगल के समानों यात्रा कर सकोगे अगर इस तरह से अंतर्मुखी होते हो। पाठ देख लो मंगल का, तो विज्ञान वाले हैरान है कि धर्म का ठेकेदार बना हुआ और विज्ञान से हट रहा है, बेमतलब के हाल से कपट कर रहा। पिछले साल 11 मई को मुझे मेडिकल कॉलेज के बीकानेर के प्रिंसिपल ने इन्वाइट कर दिया पूरे साल, वहां मैंने कहा कि आप एक डॉक्टर हो, एक डॉक्टर हर मनुष्य के अंदर बैठा, आपके अंदर भी बैठा, भाई डॉक्टर के अंदर भी एक डॉक्टर और बैठा, तो आप उससे थोड़ा सा सलाह मशुरा कर लिया करो तो सारी बीमारियां इनक्योरेबल जो है क्योरेबल हो जाएगी। जब तक विज्ञान के लोगों में ये डेवलपमेंट नहीं आएगा योग का, वो इलाज नहीं कर सके, क्योंकि उनको वो सोच में रास्ता नहीं मिला। सच्चा है इस मेरवाड़ी 8-10 डॉक्टरों ने शिष्य, वो कहते हैं जी गुरु जी आजकल हम लोग दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं जी फिलोसफिकल बात जो आप कर रहे हो वो तो ठीक लगती है, मगर ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल कैसे? और बॉम्बे में तो कई डॉक्टर्स की मनोदशा मैंने देखी, उससे उनके भाव से मैं समझता कि ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरह से चुटकी में एड्स ठीक हो गया तो हमारी डिग्री क्या समझे ना। तो जो एड्स और कैंसर पर शोध हो रहा है विश्व स्तर पर, अरबों रुपया वहां की गवर्नमेंट उनको दे रही, और यो ठीक हो गया फिर वो इन्वेस्टमेंट को गया खत्म, वो कब दिवालिया होना चाहेंगे? इसलिए उनका विरोध सबसे ज्यादा सशक्त है इस आत्मत फैलने दो, नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क कर। अब वो परेशान इसलिए है, 2-2.5 साल पहले दो अंग्रेज महाबेटी मेरे से दीक्षा लेने आते बीकानेर लंदन से, वो लड़की 21 साल की थी, उसकी मदर आल्टरनेटिव थेरेपी के हिसाब से लंदन में एक हॉस्पिटल चला रही है। दीक्षा लेने आई, मैंने मेरा ट्रांसलेटर बुलाया और दीक्षा दी और ध्यान करवाया था, योग शुरू हो गया। फिर 2 दिन तक रही वो मेरे पास रोज आती थी सुबह शाम। एक दिन सुबह वो आई तो उसने कहा, माँ बेटी दोनों बैठी थी, उसने कहा बोलिए मेरी लड़की 10-11 साल की थी तब तक कहती थी मैं पिछले जन्म में पायलट, तो इसके फादर एक दिन परेशान होकर के चलो इसको प्लेन में लेके, और पायलट को कहा कि तू साइड में बैठ जा, इसको हवाई जहाज को नीचे उतारने दे, अगर गड़बड़ करे तो हटा देना। और 11 साल की लड़की ने प्लेन लैंड कर दिया, वो लड़के पास बैठे, मैं सुनता रहा, मैंने कहा तो बहुत जुलम हो गया, गजब हो गया, वो और बड़ी सीरियस हो गई, क्या हो गया? मैंने कहा आपकी बाइबल कहती है कब्रें एक साथ खुलेगी, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे और फिर फैसला होगा ये कब्र से बाहर पहले क्यों आ गई। और हमारा दर्शन कहता है आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, वो तो एक न्यूट्रल जेंडर है। तो पिछले दिन में मैं लड़का थी पायलट थी, अब याददाश्त रह गई, इसने प्लेन लैंड कर दिया, तो इसका मतलब यह है, मैंने उसको कहा जी इसका मतलब साफ यह है कि तुम्हारा धर्म अभी अधूरा है, हमारा धर्म पूरा है, हमारी दृष्टि पूरी है, हम आपके धर्म को पूरा करेंगे। तो लड़की तो नहीं सुनता सीधे सीधे, वो मां ने सुना हुआ था 65 साल के थे, उसने तो राज अंग्रेज भाई हमारे अधीन थे, हमारे गुलाम रहे हिंदू, वो भूत ही उस औरत में, उसको बहुत बुरा लगा कि देखो ये हमको कहता है हिंदू बन जाओ, एंटी क्राइस्ट से ही आदमी है, हम मेरे को लेटर नहीं देते, संसार को लेटर नहीं देते, कभी उसकी लड़की भी नहीं देती, तो वास्तव में भाई हमारा धर्म ही पूर्ण धर्म है, हम इसको मूर्त रूप नहीं दे पाए, बस दिक्कत ही देंगे, हम देने लगे आ जाओ मैदान। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है ये एक मनुष्य जाति में होने वाला द्यू विकास है, कोई जादुई करिश्मा नहीं है, अचम्मा नहीं है। अब ये
ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है, यूनिवर्सल चेंज है, यूनिवर्सल। इसके लिए न तो ईसाई है कोई, न बुद्ध है, जैन है, महावीर है, कुछ भी नहीं है, सब मनुष्य है। तो वो परेशान है, और मैं वास्तव में इसलिए निकला हूं कि तुमने बहुत शोषण कर लिया। हम तुम्हारा शोषण नहीं करें, हमें तुम्हें शांति का रास्ता बताना है, आ जाओ। तो बहुत लेटर्स आ रहे हैं, खासतौर से यूएसए से आ रहे। एक औरत ने लिखा, मेरे एक वेबसाइट है, वेबसाइट है, अभी मैंने बताया ईमेल से उसका लेटर आया कि जो आपने एक तस्वीर पेश की हमारे सामने बाइबल की, उससे हमको बड़ा दुख हो रहा है, आप ये काम करना बंद कर। मेरे को उन्होंने पूछा भी करने से, क्योंकि इसका क्या जवाब दे। मैंने जो कहा उसको एक बार पूछो कि हमने जो चित्र पुटअप किया आपके सामने, विश्व के सामने, उसमें बाइबल के अलावा एक अक्षर भी किसी धर्म के ग्रंथ का है क्या? प्योरली बाइबल पर बेस्ड चित्र आपने आपको दिया। अब अपनी बाइबल के चित्र से तुम डरोगे, हमारा क्या मतलब इसे छोड़ते इसे इधर। तुम्हारे जो बाइबल कहती है वो हम कह रहे हैं भाई, बाइबल के अनुसार चर्च के नाम पे एक पत्थर पे दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा विश्व। बाइबल कहती है हमने, और ईशा के लिए बड़े गुण काम करते हैं ईशा के। और ईशा ने क्या कहा है आपने सर नहीं देखी बाइबल? बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने मानने वालों को, अपने अनुयायियों को पानी पी पी करके गालियां देता है। हां ये फैक्ट है। मैंने कहा ईशा ने कहा है उसको आग लगाने आया हूं, शांति करने आया ही नहीं हूं। तो मैंने कहा उसको शांति दूत क्यों कहते? बाइबल कहती है मैंने करा। तो भाई ये जो है हमारा वर्किंग फील्ड अब जो है इंडिया से बाहर जाएगा, इसका विस्तार होगा। ये ब्रह्मास्त्र है, मुकाबला करेगा उसका सफाया, मान लेगा वो। तो क्यों ये धीरे को देख लिए बैंक पूजा कर लू, बैंक पूजा देता रहूं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। समझे नहीं समझे? मुझे तो एक बात प्रूव करनी है कि वैदिक धर्म ही पूर्ण धर्म है, बाकी सारे धर्म उसमें मन जो है। पश्चिम के कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां है कि 21वीं सदी में वैदिक धर्म विश्व धर्म होगा, शब्दों का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। बाइबल करके हम नहीं करते, समझे? तो एक बहुत भयंकर क्रांति होने जा रही है। मतलब इसी बात आज ही कह रहा हूं, आज तक कई गुरुओं ने मैंने यहां बताया ये बात नहीं कही, क्योंकि वो टाइम नहीं आया। समझे ना? समझे? समझ से पहले कुछ नहीं होता। अब वो टाइम आ गया, अब मेरी तो लड़ाई उनसे है। यहां आपके जोधपुर में आप सभी जानते होंगे संपत राज जी शर्मा डिस्ट्रिक्ट जज थे, आजकल वो उपभोक्ता में है, जज है। उसके साथ दो तीन आदमी आए जैसा मसा तो मेरे करने की पूरी ये सब अरंगा कर रहे। तो आखिरी ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ये सब अरंगा करने का उद्देश्य क्या है? पॉपुलरिटी चाहते हो, धन चाहते हो, संस्था बढ़ा के करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हो, कि क्या चाहते हो? क्यों क्या करो? आखिर उद्देश्य क्या? जिस स्तर के आदमी थे मैं जानता था वो कैसे। मैंने गाजी दशा बात यह है कि मैं एक बात को सत्य प्रमाणित करने निकला हूं कि हिंदू कहता है कि मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, पापी नहीं है, पापी नहीं है। उन्होंने कहा इसका मतलब सीधी ईसाइयों से लड़ाई? मैंने कहा हां, कंस्ट्रक्टिव लड़ाई, आइडियोलॉजी लड़ाई नहीं, आत्मबल की लड़ाई। हरे से कहते हम पापी, हम पापी संतान,
गया था तुम्हें, और चर्चों में क्या होता है वो सब समझते। तो पता क्या करते कि ईश्वर का परिवार तो परमात्मा का परिवार पापियों से मिलकर बना है, हम तो पापी हैं, इसलिए चर्च में आपको अगर पूर्ण आदमी ढूंढना पड़े नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो पापी है। मतलब पापी अपना क्या करते हो, कितनी छूट ले ली चर्च में, कुछ भी गलत ही पापी है। मैंने कहा मनुष्य पापी नहीं परमात्मा, मनुष्य के उच्चतम विकास का मतलब ही परमात्मा। हालांकि हम भी नहीं समझ पा रहे इस बात को, समझे समझे। मैंने एक मेरी फिल्म बनाई है, रिटायरमेंट बनाई थी, तो मैंने चंदन से बोल दिया, वो डायरेक्टर ने जो फिल्म बना रहा था डायरेक्शन दे रहा था वो कैमरा बंद कर दिया। मतलब क्या बोल रहा था, मैंने कह दिया मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर। मैंने कहा यही फिल्मा लो आप, ये विश्व स्तर का झगड़ा है, आपके लेवल की बात नहीं। तो अद्वैत दर्शन है हमारा, अद्वैत का मतलब क्या होता है, दो है ही नहीं, एक ही है वो ईश्वर जिसने ये विराट रूप धारण किया, सब में वही हुआ है, उसके अलावा कुछ है क्या। ओ ईश्वर अगर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेगा और वो गटगटगा वाचे तो फिर मनुष्य को माध्यम बनाएगा ना, तो ये एक मनुष्य जाति में होने वाला द्यू विकास भाई, करिश्मा नहीं है, जागू नहीं है। इसलिए मेरा वर्किंग जितना है इस देश में था राष्ट्रीय स्तर में हो गया। मतलब दुख ये है कि धर्म के नाम से राजनीति करने वाला भी ध्यान नहीं दे रहे, क्या करना, बड़ी कोशिश की। तो ये विकास है, अब ये खुशी बात है कि इसी जगह से फैलेगा, विश्व स्तर पर फैलेगा, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा, समझे ना सर। तो इस प्रकार कुंडली में जागृत होकर योग करवाती है, उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाते। अब वो डॉक्टर हैरान है, गठिया खत्म क्यों हो गया, हीरोइन क्यों छोड़ गए, तो पश्चिम इसको समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार जो शक्तिपात दीक्षा से कुंडली जागृत होती है और जो योग कराती है उससे सारी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती है, चाहे मेडिकल साइंस ने उसे इनकरेज कर दिया, और नाम का भी नशा आ जाता है, और ईश्वर के नाम में नशा होता है। नंदी दिन का बांगतुरा नाम का उतर जाए प्रभाव, बांगतुरा दिन को पियो रात को नींद आएगी, सुबह सात नशा खत्म, बांगतुरा नाम का उतर जाए प्रभाव, नाम तुम्हारे नाम का चली रहे रात। ये बात कविता जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल सिंचन से उतरे नाम अमल दिन बटे सवाया। तो मतलब ये ईश्वर के नाम का कर सकते, समझे समझे, जिसका नाम ले रहे हो उसी रूप में बदल जाओगे। मरता तो एक ईश्वर नहीं, जो पूर्ण है वही नहीं खत्म होता, अपूर्ण तो सारे जाएंगे। तो जब तक आपका वो उच्चतम विकास नहीं होगा, हमारी फिलोसफी के अनुसार जन्म मरने से पीछे नहीं छूटेगा, और जीते जी मुक्त से साक्षात्कार होता है, ये बड़ी अजीब बात है। तो इस प्रकार सारे शारीरिक खतर रोग खत्म हो रहे हैं, और नाम के नशे से सारे मानसिक तनाव से संबंधित तो रोग खत्म हो रहे हैं, और नशा भी छूट रहा है। ये मेडिकल साइंस वाले नशा भी छुटा सकते, मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है विश्व स्तर कि आप नशे को किसी कीमत में नहीं छुटा सकते। मेरे पास आते थे डॉक्टर, आप तो खैर नहीं, आप सब समझ के मेरे जानते सारे, कहते थे गुरु जी अभी कह रहा था 10 साल से और छूट गया, इसके कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ क्या बात। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैर मैं आपकी भाषा को नहीं जानता, मगर जिसे आप आफ्टर इफेक्ट कहते हो वो वास्तव में आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अब अफीम खा लिया वो नशा, कोई चीज आप बाहर से अंदर डालोगे वो टट्टी पिशाब पहुंचेंगे के साथ साथ बाहर निकल जाएगी, वो नशा खत्म हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगी।
मैंने कहा अफीम का नशा खत्म हो गया इसलिए उसकी डिमांड दोबारा हो गई। अटैक नहीं है ये, आप वो डिमांड नहीं खत्म कर पा रहे, तो वो परेशान है देखता तो ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये वृत्ति बदल गई, त्रिगुण में माया सृष्टि सृष्टि पैदा हुई, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, हरेक व्यक्ति में वो तीनों वृत्तियां हो, किसी में तामसिकता ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में सत्वगुण ज्यादा, और जो वृत्ति प्रधान होती है वो जो मांगती है वो खाना पीना पड़ेगा, आपके अंदर जो मांग है डिमांड है उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक उस डिमांड को खत्म नहीं करते हो नशा नहीं छूटेगा। अब वो डिमांड वृत्ति क्या है, तत्व क्या है, आपकी साइंस वाली टेस्ट ट्यूब में तो पकड़ में नहीं आता, आप मैं कैसे समझाऊं इस ट्यूब छूट गया आपकी, ये कभी लाखों का छूट गया। और मजे की बात यह है कि तस्वीर का ध्यान करने से छूट गया। आप लोगों को सबको मानो, बहुत लोगों मानो, यहां कोई लाखों स्टेट्स ऐसे हैं जो मुझसे मिले नहीं है, दर्शन नहीं किए, आए नहीं, ना दीक्षा ली, केवल तस्वीर के ध्यान करने से योग हुआ उसे नशा छूट गया। तो इस प्रकार नशा छूट जाता, रोग मिट जाते, मानसिक रोग मिट जाते, शारीरिक रोग मिट जाते, तो ये भौतिक विकास होता। अब एक स्टेप और, आखिर आज क्या हो रहा, जितने भी धर्म है, हम सब जानते हैं ना कलयुग है, जितने भी धर्म हैं उनकी एक जैसी स्थिति, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, चाहे सभी कहते हैं देखो पीछे क्या हुआ, हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, और पीछे सतयुग में चले जाओ, मोहम्मद ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, देखो क्या किया, हम पीछे देखें और चल रहे आगे, प्रति क्षण मौत की तरफ धक्का दिया जा रहा है मनुष्य को, जाते हैं किसी को नहीं मारे क्योंकि धर्मवान तो पीछे देखा और चल रहे आगे, तो कभी पत्थर से ठोकर खा गए, कभी गड्ढे में गिर गए, परेशानी में, तो आगे क्या होना है ये कोई नहीं जानता। हमारा दर्शन साफ कहता है भविष्य को देखा सुना जा सकता है, समझे, भविष्य को देखा सुना जा सकता है, मैं नहीं कहता, ये पातंज भी अवदर्शन कहता है। तो इस प्रकार साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, और जो देखता सुनता है वो भौतिक रूप में सत्य होता है। 15 किलोमीटर दूर यू नहीं आई है जनता, रीजन्स मिले। तो इस प्रकार आप ना ध्यान और नाम का ध्यान करोगे तो आपको भविष्य दिखेगा, पास भी दिखेगा, और जो दिखेगा वो घटनाएं घटेगी। हमारा दर्शन है। अच्छा, अब एक और बहुत बात ध्यान देने की बात है आपको, अब क्योंकि मैंने उनसे लड़ाई करना है इसलिए वही मेरे को वही वो नजर आ रहा है, ईसाई बहुत परेशान किया उन्होंने। एक बात बताऊं आपको, ईसा मसीह 18 साल तक कहां रहा, पूरे ईसाई जगत को नहीं मालूम। ईसा मसीह 12 साल की उम्र में गायब हो गया, वो 18 साल बाद फिर प्रकट हुआ। वो 18 साल कहां रहा किसी ईसाई को नहीं मालूम, संसार के ईसाई। मैंने उनको कहा हमारा योग दर्शन कहता है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है, तो चलो कम ऑन ध्यान, और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो 18 साल वो काला दिख जाए, फिर फॉलो करने की चीज है आपको। अब क्योंकि मुझे लड़ाई उनसे है इसलिए वो ही वो नजर आ रहे, तो मैंने कहा आपको पता लग जाएगा 18 साल वो काला, और 18 साल बाद प्रकट हुआ तो वो वैदिक भाषा बोलने लग गया। मैंने कहा वेद का ज्ञान इसको कहां से मिला, जिस बढ़ने का सिद्धांत तो हमारे धर्म का है ना, और वो भी 18 साल बाद प्रकट हुआ तो उसने कहा दिया एक्सेप्ट मी मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब जब तक मनुष्य द्विज नहीं बनेगा
उस परम तत्व की प्रत्यक्षा अनुभूति नहीं होगी। मैंने कहा बी बोर्ड नजर का अर्थ क्या होता है तुम बता दो, अभी बता दो, पूरा विश्व बता दो, ये तो वैदिक भाषा है। इसे मैं कहा सिर्फ हो चुप करें बहुत ही मतलब बोलना पड़ेगा, या तो मेरे को रिजेक्ट कर दो स्पेशल कि ईसाइयों का विरोधी है चलेगा, झूठा कह दो या फिर सत्य मान लो, बदल नहीं सकते वो मेरे से, समझे ना। तो इस प्रकार अगर अनलिमिटेड पास्ट दिखा और बी बोल रहे थे की बात उसको अगर जम्मू कश्मीर में शैव सिद्धांत शैव साधुओं के पास बैठे हुए देख लिया तो पास्ट दिखेगा तो टेलीविजन में जैसे घटना घटती वैसे कैसे दिखेगी, वो जटाजूट धारी सन्यासी अपने तो छिपे भी नहीं रहते और उनके पास बैठा हुआ ऐसा दिख गया तो क्या करते, अनलिमिटेड पास्ट देख लिया और वहां दिख गया तो क्या होगा मानो। बुद्ध जी लोगों को मजबूर कहना पड़ेगा जिसे हम ईसाईज्म कह रहे थे कह रहे हैं वो वास्तव में हिंदुइज्म है, उनसे कहानी है मैंने उनसे कहानी है कि इज्म जो है ये तो हिंदुइज्म है, वी बोर्न अगेन की बात तो हम नहीं जानते और ये ईसा वहां कैसे चला गया। तो एक बहुत भारी क्रांति का टाइम आ रहा है विश्व में, एक धार्मिक क्रांति होने वाली है जो शुरू हो गई 11 सितंबर से। पहले वो शैतान नहीं सुनते थे मेरी बात, अब वो कर रहे हैं और यहीं आना पड़ेगा उनको, लंबा समय नहीं लगने वाला। अगली गुरु पूर्णिमा क्या होते देखना, पहले नहीं कहता। तो इस प्रकार ये सब परिवर्तन आ रहा है, ये लोग अपनी लेबोरेटरी के रिपोर्ट के अलावा हमारी बात नहीं सुने, समझेंगे। अभी एक औरत 8-9 साल से गठिया की पेशेंट निकल है जिसे विश्व इनक्रेडिबल मानता है और 94 में वो इनक्योरेबल हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, आज वो चलती फिरती है भगती है। पहले वो आती थी मेरे दीक्षा प्रोग्राम में, वो नीचे बैठती थी मैं ऊपर दीक्षा देता था तो कुर्सी में बैठी मुझे देखते रोती कि कभी मैं भी पेड़ ही चढ़ के ऊपर जाऊं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकूंगी, 6 इंच का स्टेप वो नहीं चढ़ सकती। अब वो कहते थे ठीक होगी, मैं कहता था ठीक होगा, 10 और गवाह आ देती हाँ जी हमारे सामने था करके ठीक हो गया, नहीं मानते। मेडिकल रिपोर्ट करके जिस डॉक्टर ने टेस्ट करवाया उसने कहा अब तेरे गठिया खत्म, लेबोरेटरी रिपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में परेशानी पैदा होगी। वाइस प्रिंसिपल है वहां एक, उसकी औरत को गठिया, डॉक्टर है वो MBA हमारे मेरे से जो डॉक्टर होता उन्होंने कहा मैडम आपको जाना पड़ेगा हमारे गुरु जी के पास, नहीं तो गठिया तो खत्म नहीं होगा। अब उसने कहा भाई जाना पड़ेगा क्या, तो भैया इस योग से कोई ऐसा रोग नहीं तो ठीक नहीं होगा, मगर वो साइंटिफिकली हमको प्रूव करना,